ये देखिए से कई बार निकल चुका हूँ और मैं अंदर जाने के लिए बाइक कैसे रोकूँ, ये जो सामने पेट्रोलिंग पुलिस खड़ी है इनके होते हुए तो फिलहाल यहाँ पे रोकना मुश्किल है। कुछ और ही सोचना पड़ेगा यहाँ के बारे में। हाय फ्रेंड्स, तो मैं द्वारका मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ, 9 सेक्टर वाले। वो नेक्सा का शोरूम है इसके पड़ोस में। तो अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, इस टाइम क्या समय हो रहा है। बारह बीस हो रहे हैं और अब मैं इधर जो पेड़ है, हॉन्टेड ट्री जिसे बोला जाता है, बरगद का बहुत बड़ा बहुत पुराना पेड़ है, वहाँ पे आत्माएं रहती है ऐसा बोला जाता है। उसके साथ में पार्क के अंदर अजीब अजीब चीज़ें होती हैं वो, और जो मंदिर है उसके बारे में भी कुछ बोला जाता है। हालांकि मंदिर के लिए तो नहीं मान सकते, लेकिन अब मैं इन सारी जगहों को इन्वेस्टिगेट करूंगा और आपको दिखाऊंगा, और रात के 2-3 बजे जितना भी रुका जाएगा उतनी देर रुकूंगा। चलिए चलते हैं। इस टाइम मैं उसी हॉन्टेड रोड पे हूँ, उसके अंदर एक पार्क है जिसके बारे में काफ़ी हॉन्टेड बातें बोली गई हैं कि इस पार्क में ये होता है वो होता है। तो मैं उसी पार्क के अंदर आ गया हूँ क्योंकि किसी की नज़र मुझ पर ना जाए, तो सबसे सेफ जगह फ़िलहाल तो यही है। और इस टाइम रात का 1:36 हो रहे हैं, और यहाँ का अभी मैं बाहर का सीन आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आपको मैं ये मंदिर की बैक साइड दिखाता हूँ, और ये वो पार्क है जिसके बारे में बहुत ही बुरा बोला गया। मतलब मैंने YouTube पे कुछ ऐसे वीडियो भी देखे हैं जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे किसी को थप्पड़ पड़ा है और मुंह पे निशान। एनीवे, मैं अकेला आ गया हूँ अब यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। फ़िलहाल मैं आपको मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ पीछे से, मैं अंदर उस पार्क में हूँ। और ये वो हॉन्टेड पार्क है। अगर आप इस पार्क के बारे में सर्च करेंगे तो बहुत ही खराब चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं। अंधेरा होने की वजह से बहुत दूर तक तो नहीं देख पा रहे होंगे आप। तो अब मैं इस पार्क के अंदर जा रहा हूँ। पार्क के बीचों बीच में एक बात आप लोगों को बताता हूँ, मैं इस तरह के जो सिंगल आने वाला जो ब्लॉग है, सोलो ब्लॉग है, जो इनमें आपको बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन तो दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉग में कितने तरह के एंगल्स बनाने पड़ते हैं, और काफ़ी मतलब जो एक आदमी के बस का काम नहीं है, मैं लाइटिंग करूं या मैं कैमरा होल्ड करूं या मैं एक्सप्रेशंस दूं और कुछ और करने की कोशिश करूं, तो ये सब करना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो वैसा
मैं एडिटिंग स्टाइल वैसा तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक ट्रू चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं इस पार्क के एंड तक पहुंच गया हूँ। अब आप पार्क का नजारा देखिए। वो देखिए साइड में मेन रोड जा रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा था, मैं आपको इस जगह की स्टोरी बताता हूँ। यहाँ के बारे में ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे एक छोटी बच्ची कि किसी कैब से 2004 में डेथ हो गई थी टक्कर लगने से, एक्सीडेंट में। तो उन्हीं की आत्मा यहाँ पे भटकती है ऐसा बोला जाता है। और ख़ास तौर पे कैब वालों पे हाथ उठाना और इस तरह की बातें होती रहती हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे जो नॉन कैब वाले हैं, अगर मैं अभी जब बाहर जाऊँगा तो नॉन जो कैब वाले हैं वो काफ़ी तेजी से यहाँ से निकलते हैं या अवॉइड करते हैं। तो मैं पार्क का एंड तक तो देख लिया, अब मैं फ्रंट साइड से बाहर निकलता हूँ। अकेले होने पे थोड़ा डर तो लगता है यार। डर अननोन का तो इतना नहीं जितना चोर उचक्के और ऐसी चीज़ों का तो लगता ही है। और अलर्ट भी रहना होता है, पता नहीं कब क्या हो। चलिए अब हम इस पार्क का नज़ारा तो देख ही चुके हैं, अब यहाँ से बाहर निकल के मैं आपको वो ट्री दिखाता हूँ। PCR अभी भी खड़ी है। और ये है वो हॉन्टेड ट्री। ट्री के ठीक सामने ये मंदिर है, श्री दादा भाई वाला मंदिर। और ये वो पेड़ है सामने, सरस्वती माता। Thank you.
ये पीछे मेट्रो स्टेशन है और सामने ये एक चौक है। इस चौक से ये सीधी रोड जाती है जो मेट्रो स्टेशन के फ्रंट से होती हुई निकलती है। तो ये इस चौक से मेट्रो स्टेशन की तरफ निकलती है। देखिए, थोड़ा ब्रेक लेने के लिए मैं अब वापस जा रहा हूँ। दिन में काफ़ी रौनक होती है यहाँ पे, चाय वाले, सिगरेट वाले, ये वो बहुत से लोग बैठे थे। धीरे धीरे यहाँ पे सन्नाटा होता जा रहा है। मेन रोड ज़रूर चल रहा है। हॉन्टेड ट्री के सामने फिर से एक बज के 55 मिनट। बाइक ही बंद हो गई और स्टार्ट नहीं हो रही थी, शायद कैमरे में शूट हुआ है। पता नहीं क्या हुआ अचानक बाइक को, और बाइक बंद हो गई और स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल सुनसान रोड है। थोड़ी थोड़ी देर में एक आध गाड़ी आ रही है यहाँ पे। और ये मंदिर कलर में, मैंने नाइट विजन बंद कर दिया ताकि दूसरे तरह का भी व्यू मुझे मिल जाए। बजे के आसपास आया था और इसी मंदिर और इसी पेड़ के पास मैं घूम रहा हूँ काफ़ी देर से। पेट्रोलिंग पुलिस जा चुकी है और इक्के दुक्के लोग भी निकल रहे हैं, और मैंने देखा उसमें से बहुत से लोग यहाँ फिर गाड़ी धीरे करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। काफ़ी मशहूर है ये जगह लगता है। ये मेरा सेकंड व्लॉग है और अभी बहुत कुछ अच्छे से करना तो नहीं आया। एक आदमी आ रहा है यहाँ पे, मैं उससे बात करके देखता हूँ। भैया, ये जो पेड़ है इसके बारे में बोला जाता है कि यहाँ पे भूत भूत रहता है, क्या आपने सुना ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना आपने? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ? अच्छा, आप रोज ही निकलते हो इसी समय? अच्छा, चलो ठीक है भैया। ये एक्चुअली मैं यहाँ पे देखने आया था कि ऐसा कुछ होता है या नहीं, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा इस इलाके के बारे में। आपने सुना है? मुझे आज तक मैं पिछला 6 तारीख से मैं यहाँ पे परमानेंट ड्यूटी पे हूँ, वो भी नाइट में हूँ।
सारी रात खुला रहता है जी, 24 आवर्स की पार्किंग है। मैं आपको 9 बजे से लेकर के जी और सुबह 9 बजे तक मैं जगा रहता हूँ। अच्छा जी, पूरा मेरा एक दिन का नहीं है, मेरा पर डे का है। अच्छा जी, ऐसे अब ऊपर वाले के देन हो या जिसका भी कहिए जी, मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बट हमने सुना है कि यहाँ पे भूतूत आते हैं, इसी पेड़ के बारे में जी, पीपल का पेड़ जो है जहाँ पे मंदिर बनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने सुना है। अच्छा, बट देखा नहीं, देखा नहीं है जी, नहीं। अच्छा, और इस जगह से विदाई लेने का समय आ गया। ये जो पार्क आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी गया, जिसके बारे में YouTube पे बहुत अजीब अजीब बातें हैं, इंटरनेट पे बहुत अजीब अजीब बातें हैं। मैंने ये सारा अच्छे से देखा और ऐसा कुछ भी नहीं मुझे मिला, नेगेटिविटी भी नहीं थी। हाँ, अकेले आने में थोड़ा सा डर लगता है, डर में जैसे अभी क्या हो रहा था, 3 लोग बाइक पे गए और शोर मचाते हुए आ रहे थे, जैसे वो मेरे पास आए तो उन्होंने धीरे कर लिया और फिर थोड़ी आगे से यू टर्न लेके दोबारा आए। तो हम इतना सारा कैमरा इक्विपमेंट लेके चलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हमसे छीना झपटी ना कर ले। तो बस एक ये डर लगता है चोर उचक्के शराबियों का, जो अपने आपे में नहीं होते। बाकी चिंता वाली कोई चीज़ ऐसी लगती नहीं है, क्योंकि इन जगहों के बारे में इतना झूठ फैला रखा है। ये देखिए सामने नेक्सा का शोरूम, और ये मेट्रो स्टेशन। आपके व्लॉग देख रहा हूँ जब शुरू हुए थे तब से। ओके, वो क्या दिवाली वाले पटाखा, फारूक नगर वहाँ से देख रहा हूँ। तो अकेले घूमिए, भूत मिला तुम्हें? नहीं मिलता भाई, नहीं मिला कुछ। तो नहीं, मैंने एक वीडियो बनाई थी सेक्टर, कौन सा द्वारका, कौन सा सेक्टर 9 का एक हॉरर ट्री की बनाई थी मैंने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दो। तो भाई भी उसी की वीडियो बनाई थी। आपको भूत मिला भाई? नहीं, कोई भूत नहीं है। भूत नहीं मिला भाई, मेरे को भी नहीं मिला था ना। तो नेगेटिव एनर्जी है वहाँ, ज्यादा तमाचा हो गया। चलो आप अपना शूट करो, गुड लक। ओके बाय, सी यू बाय। किस नाम से चैनल है मेरा? बाइकिंग मिस्ट्री। बाइकिंग मिस्ट्री।